अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद साथ, जहां पे आप सीखते हो इंग्लिश। सो गाइस, इस वीडियो में वॉर के रिलेटेड 20 वर्ड्स देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो हिंदी से इंग्लिश वर्ड है वो है युद्ध। युद्ध को इंग्लिश में वॉर कहते हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप सबको पता होगा। हमारा सेकेंड वर्ड है परमाणु युद्ध, इसे न्यूक्लियर वॉर कहते हैं। परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर। ग्रह युद्ध को सिविल वॉर कहते हैं। एक्चुअली सिविल वॉर उसे कहते हैं जब एक देश में, एक मुल्क के अंदर जो लोग होते हैं वो आपस में जब लड़ने लगे तो उसे कहते हैं सिविल वॉर, और सिविलियंस उस देश के रहने वालों को कहते हैं। तो ग्रह युद्ध को कहते हैं इंग्लिश में सिविल वॉर। हमारा फोर्थ वर्ड है हथियार। हथियार सबको पता है, हथियार की इंग्लिश होती है वेपन्स। सेना को इंग्लिश में आर्मी कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन सा वर्ड है। सेना की इंग्लिश हो जाएगी आर्मी। आक्रमण करने को इंग्लिश में इन्वेड कहते हैं। ओके, आक्रमण करने को इंग्लिश में इन्वेड कहते हैं, और जो आक्रमण करता है उसे इंग्लिश में इन्वेडर्स कहते हैं। ओके, आक्रमण करने को इंग्लिश में इन्वेड कहते हैं, और जो आक्रमण करता है उसे इंग्लिश में इन्वेडर्स कहते हैं। हमारा सेवेंथ वर्ड है युद्ध करना। युद्ध करने को इंग्लिश में वेज वॉर कहते हैं। युद्ध करने को इंग्लिश में वेज वॉर कहते हैं, टू वेज अ वॉर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है तैनात। तैनात करने को मतलब एक मुल्क का जो आर्मी होती है उसके जो वो अपने सोल्जर्स को तैनात करता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉय, टू डिप्लॉय करना। ओके, तैनात करने को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉय। हमारा नाइन्थ वर्ड है संकट, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्राइसिस, क्राइसिस। हमारा टेंथ वर्ड है युद्ध की घोषणा करना, मतलब कि अब युद्ध होने वाली है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिक्लेयर वॉर, टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट अ कंट्री। सो युद्ध की घोषणा करने को इंग्लिश में डिक्लेयर वॉर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है घात लगाना। घात लगाने को मतलब घात लगाकर सामने वाले पे हमला करने को इंग्लिश, इसकी इंग्लिश हो जाती है एम्बुश। एम्बुश एक्चुअली एक यू नो एक तरीका होता है घास में लेट के, जैसे कि सोल्जर्स घास में लेटते हैं और अपने आप को भी घास की तरह ही नो ग्रास की तरह ही कवर कर लेते हैं, तो उससे पता नहीं चलता है सामने वाले को कि सोल्जर्स अंदर होंगे। ओके, तो इस वे को एम्बुश कहा जाता है। तो एम्बुश करना मतलब घात लगाना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हवाई लड़ाई। जो हवाई लड़ाई होती है, हवा में जो फाइट होती है, उसे इंग्लिश में डॉग फाइट कहते हैं। उसकी इंग्लिश होती है डॉग फाइट। तो आप डॉग फाइट सोच के आप यू नो कुछ और मत समझना, इसे इंग्लिश में यही कहा जाता है। ओके, तो हवाई लड़ाई की इंग्लिश हो जाएगी डॉग फाइट। हमारा 13th वर्ड है जंगी जहाज़, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉर शिप, जंगी जहाज़, वॉर शिप। लड़ाकू विमान, तो सबको पता है लड़ाकू विमान को इंग्लिश में कहते हैं एयरक्राफ्ट। लड़ाकू विमान की इंग्लिश हो जाती है एयरक्राफ्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विस्फोट। जब बम फटता है तो उसे एक तरीके का उसको वो विस्फोट होता है यू नो फट जाता है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोड, एक्सप्लोड एंड एक्सप्लोड। वायुसेना, वायुसेना को इंग्लिश में कहते हैं एयर फोर्स। ओके, वायुसेना, एयर फोर्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हथगोला। हथगोला जो एक ग्रेनेड होता है, सबको पता होगा क्या होता है, यू नो सब पबजी खेलते हैं, तो हथगोला को इंग्लिश में कहेंगे कि हैंड ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड एंड हैंड ग्रेनेड। आत्मसमर्पण करना मतलब झुक जाना सामने वाले के आगे झुक जाना, तो इसे कहेंगे सरेंडर करना, मतलब भाई हम सरेंडर करते हैं, अब आपको जो करना है वो करो, अब आपकी चलेगी, हम सरेंडर करते हैं। तो आत्मसमर्पण करने को इंग्लिश में कहते हैं सरेंडर करना। विजय, जीत, फतेह, इसे इंग्लिश में कहते हैं विक्ट्री, विक्ट्री एंड विक्ट्री। हमारा लास्ट वर्ड है शांति, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में मेंटेन करने की, पीस मेंटेन करने के लिए। ओके,
क्योंकि जब वॉर होती है तो इसमें ज़्यादातर लोग सिविलियंस, बच्चे, गरीब, यही लोग मारे जाते हैं। ओके, अमीर को कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें गरीब पिसते हैं। तो पीस मेंटेन करना सबकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी हो। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।